हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये आप लोग रास्ते का व्यू देख रहे हो क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। बड़े भैया और मिस्टर पुरोहित आगे बैठे हैं और स्मिता सड़ंगी बस जो है हमें लेके जा रहा है। स्मिता का बस जी नहीं, मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे रीत और स्वाति पीछे बैठे हैं, दीदी और मैं यहाँ पे बैठे हैं। आराम से हम 6 जन यहाँ पे बैठ के जा रहे हैं कहीं पे। हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एक थ्रेड सेरेमनी पे, जो कि सुंदरगढ़ से बहुत दूर पदमपुर के पास एक गांव है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये अभी हम लोग रास्ते में हैं, नहीं पहुँचे अभी तक। बहुत टाइम लगेगा हमें, करीब पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं तो पहुंचेंगे तो किसी टाइम पे। तो चलिए फिर चलते हैं, रास्ते का व्यू देख के थोड़ा सा मज़ा ले के, है ना। तो रास्ता तो पूरा मस्त, मौसम बहुत अच्छा था, अभी उतना धूप नहीं हो रहा था। वैसे तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो उतना पता नहीं चला था। यहाँ पे हम लोग पूछे और फिर टर्न करके, ये सोहेला है, सोहेला से टर्न करके ये रास्ता पकड़ लिए हम लोग। तो ये जो देखिए गन्ना, देखिए गन्ना गन्ने का रस निकाल रहे हैं ये भैया। इनसे पूछते हैं रास्ता तो वो फिर बताते हैं, बोलते सीधा जाइए। और ये सीधा चले हम लोग फिर वहाँ से टर्न करके, क्योंकि नया जगह है, हम कभी नहीं गए थे, इसीलिए हमको थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। तो हम लोग आराम से पूछ पूछ के जा रहे थे। देखिए हम ये वाला बिजू एक्सप्रेस वे टू वेलकम जैसे लिखा रहता है, NH पे जा रहे हैं। और ये आके हम पहुँच चुके हैं टाल, और टाल जो है मेरी एक फ्रेंड उनके मामा जी का घर है, उनका ये वाला घर है। तो मैं यहाँ पे, वो बोली थी जाने के लिए लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि इतना हड़बड़ी में करीब 1 बज गया था। हमें पहुँचते पहुँचते उधर पे जो जनेयू हो रहा था ना, व्रत जो हो रहा था, उसका भी वो जो होता है सब चीज़ वो ख़त्म हो जाता, इसीलिए हम लोग बस निकल गए थोड़ा सा देख के। फ़ोटो वोटो यहाँ पे उठाए, वीडियो की मैं घर का। और उसके सामने ही एक रास्ता टर्न हो रहा था, उसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और इतना सारा टर्निंग था यहाँ पे, और बहुत सारा टू वेज था, मतलब एक रास्ते में जो 2 रास्ता निकलता है ना, इधर जाओगे या उधर जाओगे, उस टाइप के बहुत सारा रास्ते थे। तो इतना कंफ्यूज हुए हम लोग रास्ते में पूछ पूछ के, और जंगल में भी एक एक रास्ता दोनों साइड जा रहा था, तो किसको पूछोगे, कैसे पूछोगे, कैसे करके जाओगे, पूरा दिमाग ख़राब। उसी के चक्कर में इधर जाना है या उधर जाना है, पूरा कन्फ्यूज़ हम लोग, ये गलत रास्ता जा रहे हैं। थोड़ी देर जाने के बाद फिर वहाँ से यू टर्न करके आए और ये रास्ता में फिर जा रहे हैं। भला हो वो भाई का जो एक बाइक में जा रहे थे दोनों भाई, वो लोग हमें रास्ता बताए और हम लोग इधर सही रास्ते पे आए। तो ये देखिए, ये वाला एक गांव है, वहाँ पे एक हनुमान जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ था, बहुत ही सुंदर। आप लोग भी देखिए, इसका एक वीडियो बनाई हूँ मैं, शॉर्ट वीडियो छोड़ चुकी हूँ। हनुमान जी बैठे हुए हैं, हाथ में राम लिखा गया है, और इतना सुंदर लग रहा था मत पूछिए। वहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। और ये करीब, मतलब वो गांव शायद पहुँच जाएंगे, अभी पहुँच जाएंगे, तभी पहुँच जाएंगे, बोल बोल के हम लोग वो गांव में अभी आ गए सोच रहे थे। लेकिन यहां से फिर टर्न करना पड़ा देखिए, क्योंकि ये गलत रास्ता है। और ये टर्न जो कर रहे हैं मिस्टर पुरोहित, यहां पे बहुत मुश्किल था, इधर खाई उधर खाई टाइप का था। वहां से टर्न करके लास्ट में वो गांव पहुंच गए। गाड़ी हमें बहुत दूर रखना पड़ा क्योंकि घर तक गाड़ी सबका लाइन लगा हुआ था, तो साइड से जा नहीं पा रहा था गाड़ी। तो देखिए वो आगे रखा है गाड़ी, और हम लोग चल के जाएंगे। और मत पूछिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, पीछे देखो, पीछे मिस्टर पुरोहित पीछे देखो। और ये है देखिए, वेलकम टू थ्रेड सेरेमनी यहाँ पे हो रहा है। और ये जो है ये मेरे भांजे लगेंगे, तो बस मेरे ननन, मतलब मेरे जो फूफी हैं, मतलब जो बुआ बोलते हो ना आप लोग, हम लोग POC बोलते हैं, नाना बोलते हैं, तो उन्हीं के बेटी का बेटा, मतलब मेरे ननंद के बेटे का यहाँ पे जनेऊ हो रहा था। तो हम लोग आके पहुँच गए थे, और गर्मी के मारे हाल बेहाल था, गर्मी बहुत लग रहा था, सबका हालत ख़राब, सबको यहाँ पे, हमारे जितने भी मतलब रिलेटिव्स हैं, चाचा जी, सबको आके एक जगह पे, जो संबलपुर से आए थे, हम सब 5-6 गाड़ी में सबको यहाँ पे ही थे, बैठे थे और सबको एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए, तो इतना भीड़ था वो थाल में देने के लिए, जो ब्रह्म थाल बोलते हैं ना, तो इतना भीड़ था, मैं बहुत मुश्किल से गई अंदर, देखिए साइड से पीछे से आके। Yeah.
बाप रे, फिर मैं वहाँ से निकल आई। बाहर देखिए, मेरा तो हालत ख़राब था, गर्मी के मारे पूरा पसीना पसीना। और यहाँ पे ना सब कोई खड़े थे, तो हम लोग सोचे कि एक ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं हमारा फैमिली का। वैसे तो यहाँ पे फ़ोटो लेने के हालत में कोई भी नहीं था, लेकिन मैं बोली कि चलो एक फ़ोटो तो उठा ही लेते हैं भाई, पता नहीं कब फिर अभी उठा पाएंगे या नहीं। तो बस, और ये जो देखिए, ये है मेरी ननन, जिनके बेटे का जो हाय कर रही है ना, उन्हीं के बेटे का आज व्रत है, जनेऊ है। और यहाँ पे सब कोई खड़े हैं, तो मैं सबको बुला रही थी, चलो आ जाओ फ़ोटो उठाते हैं एक। तो सब कोई आ रहे थे ये फ़ोटो उठाने के लिए। ये सब संबलपुर राउरकेला से आए हुए हैं, हमारे चाचा जी लोग, सब कोई को तो आप जानते ही हो सब कोई। तो चलिए यहाँ पे एक फ़ोटो उठाते हैं सब कोई। तो ये हमारे जीजा जी आ रहे हैं जो राउरकेला में रहते हैं, तो सब कोई के साथ एक फ़ोटो उठा लेते हैं। तो चलिए अपने जीजा जी को लेके जा रहे हैं फ़ोटो उठाने के लिए, चलो सब कोई हाय बोले। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं उनके घर की तरफ, उनका उधर पुराना घर है, उधर फिर नया घर बनाए हैं वो आगे। तो यहाँ पे तो चल रहा है, ये तो पता नहीं कब ख़त्म होगा ये ब्रह्मताल। इतना भीड़ था कि मुझे तो लग रहा था 5 बज जाएगा। और खाना पीना तो 12 बजे से स्टार्ट हो चुका था लंच, और मतलब चल ही रहा था 4 बजे तक 5 बजे तक, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतने लोग मत पूछिए, 5-6 गांव के लोग एक ही जगह में हैं जैसे। और यहाँ पे ये लोग का घर है जो बनाए हैं अभी, और पीछे तरफ पुराना घर है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं थोड़ा सा, अभी दीदी लोग सबको आ रहे हैं। देखिए सबका हाल बेहाल है गर्मी से। और क्या होता है कि जो पुराना घर सब होता है ना, वो बहुत ठंडा लगता है, तो वही बोल रहे थे कि चलो वहाँ पे बैठते हैं। तो फ़ैन ऑन करके भी बैठने से ना बहुत ठंडा लग रहा था, तो हम सब वहीं पर जा रहे थे, बाद में खाने के लिए जाएंगे। तो सब कोई आके ये रूम में बैठेंगे अभी। तो ये देखिए, ये पुराना घर है, यहाँ पे ना अंदर बहुत ठंडा लग रहा था। और ये मेरी बुआ सास हैं जो खड़े हैं, और वो मेरे देवर हैं जो साइट में हैं। तो देखिए, और ये हमारे दो सब्सक्राइबर हैं जो कि, और रिलेटिव भी हैं, तो वो लोग मिले तो बहुत अच्छा लगा। वो लोग पहचाने और बोले कि हम आपका वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है ये वो करके थोड़ा सा बात किए। तो मैं उनका थोड़ा सा वीडियो बना दे रही हूँ कि वो लोग हमारी वीडियो में कैप्चर हो जाएँ और रह जाएँ हमारे साथ, हमारे फैमिली की तरह। तो देखिए बहुत वही बोल रहे हैं कि अच्छे से वीडियो करो, फोटो करो। तो मैं बोले अच्छे से कर रही हूँ। ये देखिए, और ये हम आ चुके हैं पीछे तरफ खाना खाने के लिए, जहाँ पे खाने की तैयारी, मतलब खाना क्या चल रहा था, लंच चल रहा था, पूरा 12 बजे से चल रहा था। और हम करीब ये 2-2.5 बजे यहाँ 2 बजे आए यहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ पे ना खाना बन रहा था लोग खा रहे थे, गर्मा गर्म, गर्मी में गर्मा गर्म खाना। ये देखिए, खाना बन रहा है उधर खा रहे हैं, इधर खाना बन रहा है उधर खा रहे हैं। तो वही हम लोग भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी खा लिए, मिस्टर पुरोहित लोग आके पहले से खा लिए थे, चाचा जी लोग सबको ही खा रहे हैं खाना। तो हम लोग अभी खाएंगे, तो मैं मिस्टर पुरोहित को थोड़ा सा फ़ोन दे दूंगी, आप थोड़ा शूट करो, हम थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर चलेंगे। और यहाँ पे चाची जी खाना ला चुकी हैं, और वो बोल रही थी जाओ जल्दी ले आओ, जल्दी जल्दी खाना खा लो, गर्मा मतलब बहुत गर्मी है ना, लाओगे थोड़ा सा ठंडा होगा तभी खा पाओगे, इतना गर्म गर्म कैसे खाना खाओगे। और ये मैं और स्वाति ले आए हैं, और सीधा हम लोग आके कूलर के सामने खड़े होके अभी खाएंगे, कूलर के सामने तभी जाके थोड़ा बहुत खाना खा पाएंगे। वैसे तो खाना तो प्लेन ही बनता है, दाल चावल सब्जी, मतलब प्याज लहसुन नहीं डालते, और मटन चिकन तो छोड़ो, वो सब तो होता ही नहीं है, तो सिंपल खाना रहता है, पनीर वनीर आपका बहुत सारा आइटम रहता है, खीर वीर सब था, लेकिन हम तो सिंपल ही खाना खाए भाई, थोड़ा जो खा पाएंगे वही सबको खाए। और ये देखिए हमारे ननंद लोग सबको ही दीदी लोग के साथ हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। और यहाँ पे बहुत लोग आ चुके हैं, फिर फेज बाय फेज आ रहे हैं ना खाने के लिए। तो सब कोई खाना खा के यहाँ पे खीर वीर सब मिठाई सब खा के हम लोग फिर भागेंगे। और ये हम आ चुके हैं घर में, और ये हम रेडी हो रहे थे जाने के लिए, सबसे मिल रहे थे, सबसे मिल चुके थे। और ये देखिए दीदी लोग बाहर जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, तो दीदी लोग आएंगे तो चलिए मैं चलती हूँ आगे आगे, और ये लोग आएंगे फिर। और यहाँ पे ननंद लोग सब दीदी लोग खड़े थे, और ये हम लोग जा रहे हैं, अभी चलते हैं, हो गया आज का प्रोग्राम ख़त्म, यहाँ पे घूमना फिरना सब कुछ हो गया ख़त्म। और व्रत तो चल रहा था, क्योंकि व्रत तो बहुत देरी लगेगा, और वैसे भी संबलपुर में कर्फ्यू लगा है ना, तो हमें 6 बजे के बाद ये वो रोड क्रॉस करना है, इसलिए हम लोग वहाँ से 3 बजे निकल आए। देखिए सब कोई निकल जा रहे हैं, जो लोग राउरकेला संबलपुर जाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग भी वैसे ही जल्दी आ गए ताकि संबलपुर क्रॉस करके सुंदरगढ़ जा पाएँ। और ये हम लोग वो रस्ते
से निकल के ये टाल जो बोलते हैं ना गांव, वो टाल को अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये है वो घर जो मैं बता रही थी मेरे फ्रेंड के मामा जी का। तो यहाँ से क्रॉस करते हुए हम लोग आके रास्ते में पहुँचे। इतना गर्मी लग रहा था तो हम रास्ते में ना थोड़ा सा लस्सी यहाँ पे ऑर्डर किए, वो भैया ना लस्सी बनाए और थोड़ा थोड़ा सबको दिए। और ये है चौहान पाली बोल के एक गांव, तो बस वहीं पे रुके थे। एक दो दुकान खुला था, बाकी सारा का सारा बंद था। यहाँ पे देखिए पूरा सुनसान रास्ता, एक भी गाड़ी नहीं जा रहा है, सुनसान कोई नहीं है। और ये लस्सी सब कोई खा चुके हैं, मतलब ऐसे चम्मच भी दिए थे ना बहुत सारा, ड्राई फ्रूट्स ये वो नारियल सब दे के। तो ये मिस्टर पुरोहित खा रहे हैं, मैं बोली आप थोड़ा दिखाओ लस्सी, तो मैं शूट कर रही थी क्योंकि हम लोग खा चुके थे, पी चुके थे लस्सी, पहले खा लिए उसके बाद पी लिए। और ये हम लोग चले अपने रास्ते। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी कुछ नए चीज़ के साथ। बाय फ्रेंड्स।